सो हे फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बने मस्त होंगे। एंड आप सभी का फिर से वेलकम करता हूँ टेक्नो बंदा के एक न्यू वीडियो पे। सो गाइज, हम फिर से हाजिर हैं टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। तो गाइज, आज का बेसिकली जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला है, बिकॉज नए नए हैं। मतलब कोई भी मैं पुराना वाला नहीं बता रहा, बिल्कुल नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में पूरा एंड तक के बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना गाइज। अगर तुम लोग स्किप किए मतलब तुम लोग ख़त्म, ठीक है, तुम लोग का कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो स्किप मत करना एंड वीडियो में एंड तक के बने रहना। एंड वीडियो को अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। एंड गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर देना गाइज। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, हमारा जितना व्यूवरशिप आता है उसमें का 18% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, बाकी के लोग कहाँ जाते हैं आई डोंट नो। तो सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड गाइज, कमेंट करके बताना आपको कौन सा वाला प्लेस अच्छा लगा। एंड उसके साथ साथ अपना यूज़र आईडी भी चिपका देना, क्योंकि कमेंट से मैं अभी बंदे सेलेक्ट कर रहा हूँ जिनका कमेंट अच्छा लगता है उनको सेलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन बंदे वीडियो को पूरा वॉच करके बताते हैं कि कौन सा वाला हेडिंग प्लेस उनको पसंद आया, तो उसको हम दे देंगे, ठीक है। जो भी डायमंड्स वगैरह है मैं उनको रिक्वेस्ट सेंड करके दे दूंगा। सो बस यही था गिव अवे का रूल, ये करो गिव अवे विन कर जाओगे। मांगते रहते हो ना डीजे वालों को, उसका सॉल्यूशन बता दिया। एंड चलो बात करते हैं अपने टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, कौन कौन सी प्लेस पे होने वाले, कैसे कैसे होने वाले। उससे पहले मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, इंस्टा पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूं आजकल, तो इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो जोर से कर लेना। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले नंबर के हेडिंग प्लेस के बारे में। जो हमारा पहला नंबर का हेडिंग प्लेस होने वाला है वो होने वाला है सेंटोसा पे, ठीक है। सेंटोसा पे आप आ जाओ, देखो पहला नंबर का हाइडिंग प्लेस ही तबाही है, तो आपको सेंटोसा पे आ जाना है इस वाले घर के पास। एंड यहाँ पास आने के बाद आपको क्या करना है चलो मैं दिखाता। यहाँ पास आ जाओ गाइस। एंड यहाँ पास आने के बाद जस्ट आपको 3 ग्लू वॉल चाहिए, सोलो पे हो, सोलो हो, डुओ हो, कुछ भी हो, सोलो पे भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पास आपको 3 ग्लू वॉल चाहिए। ये वाला ट्रिक यूज़ करने के लिए आपको 3 ग्लू वॉल रख लेनी है। एंड आपको इस तरीके से सेट करना, मैं दिखाता। यहाँ पास एक ग्लू वॉल सेट कर दो, ये यहाँ पास, ठीक है। और जस्ट उसके ऊपर थोड़े से ऊपर एक ग्लू वॉल, फिर उसके थोड़े से ऊपर एक ग्लू वॉल, ठीक है। ये देखो, ये बस, तो इतना आप सेट कर लिए तो भाई आप किंग, ठीक है। फिर आपको कैसे करना है चलो मैं दिखाता। तो सेंटोसा की यहाँ पास आ जाओ लास्ट साइड। एंड फिर यहाँ पास से आपको ये ड्रम जो दिखेगा, ड्रम के ऊपर जाना है। एंड ड्रम के ऊपर जाने के बाद आपको जस्ट जाना है आलोक, अगर आलोक है तो आलोक ऑन कर लो, नहीं तो पहुँच जाओगे आराम से आलोक के बिना भी। देन यहाँ पास पहुँचने के बाद जस्ट आपको जाना है इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसके ऊपर जाना है। एंड यहाँ पास पहुँच के आप आराम से कुछ भी कैंप वगैरह जो भी करना चाहते हो कर सकते हो सेंटोसा पे। अगर जोन आया तो सेंटोसा, जोन बना है सेंटोसा पे, तो यहाँ पास बैठ के आराम से सभी बंदों को देख सकते हो। तो कैसा लगा ट्रिक मेरे को कमेंट पे जरूर से बताना। अगर पसंद आया तो जरूर से अपने दोस्तों को शेयर करना ये वाला वीडियो गाइज। अगर शेयर नहीं करते तो क्या ही आदमी हो भाई तुम। तो यहाँ पास पहुँच जाओ। एंड शायद से नीचे पे कोई बंदा है गाइज, मेरे नीचे पे कोई बंदा आई है, मेरे को लगा यहाँ पास कोई बंदा। ओ देखो ग्लू वॉल लगाया पड़ा है। तो यहाँ पास देखो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, बंदों को पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पास मतलब सब तरफ से कवर है, ऊंचा भी है, ठीक है। ये प्लेस ऊंचा भी है, तो बहुत ही अच्छा वाला हाइडिंग प्लेस आप लोग के लिए है। तो कैसा लगा मेरे को कमेंट पे जोर से बताना एंड शेयर जोर से करना भाई लोग। सो चलिए बात करते हैं उन्हें सेकेंड नंबर के हाइडिंग प्लेस के बारे में, या फिर सीक्रेट प्लेस, या फिर ट्रिक के बारे में। तो जो हमारा सेकेंड नंबर का ट्रिक होने वाला है वो होने वाला है गाइज परगेटरी मैप पे लंबर मिल पे, ठीक है। तो यहाँ पास आप आ जाओ सबसे पहले। तो यहाँ पास आने के बाद आपको करना क्या है चलो मैं दिखा देता। यहाँ पास सिंपली सबसे पहले आप आ जाओ, ठीक है, यहाँ पास आ जाओ, देखो यहाँ पास आ जाओ। एंड यहाँ पास आने के बाद जस्ट आपको देखो 2 ग्लू वॉल चाहिए, ठीक है। ये वाला ट्रिक भी आप सोलो पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन लंबर मिल पे आने के बाद आपको 2 ग्लू वॉल चाहिए, 2 ग्लू वॉल चाहिए बस, और उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। आपको 2 ग्लू वॉल कहाँ लगाना है, क्या करना है चलो मैं दिखा देता। और ओपी नंबर मतलब A1 हाइडिंग प्लेस है गाइस, मतलब यार तबाही, जिसको तबाही बोलते हैं। तो आपको सिंपली इस वाले प्लेस पे आ जाना है, देखो ये वाला इधर की साइड लंबर मिल पे। एंड यहाँ पर इधर की साइड आने के बाद जस्ट आपको गाइस ये टावर दिख रहा है, टावर के ऊपर जाना है। चलो मैं दिखाता क्या क्या करना होगा आपको। तो सिंपली इस टावर के ऊपर जाना होगा आप लोगों को, और चाहिए 2 ग्लू वॉल, ठीक है। तो रूल याद रख लेना, 2 ग्लू वॉल चाहिए, रूल तो ये ट्रिक यूज़ करने के लिए है 2 ग्लू वॉल। तो यहाँ पास आप आ जाओ एंड यहाँ पास आपको जस्ट 2 ग्लू वॉल चिपका देना है, ठीक है। तो चलो हम चिपका देते हैं, 1 ग्लू वॉल इतना पे चिपका देना है, देखो ये गाइस, ये थोड़ा सा दूर करना दीवार से, नहीं तो दीवार पे ही चिपक जाएगा, नहीं तो ग्लू वॉल आपका, फिर आप ऊपर ही नहीं जा पाओगे। फिर दूसरा ग्लू वॉल कुछ इस तरीके से, ये देखो
जस्ट ऐसे लगा देना है एंड फिर आपको जाना है इसके ऊपर। चलो मैं दिखा देता कैसे जाना है। और अगर आप रोज़ ट्राई करोगे तो 1-2 मिनट में हो जाएगा, ज़्यादा कुछ लगेगा भी नहीं। और डुओ स्क्वाड, सबको स्क्वाड है तो पूरा स्क्वाड ले जा सकते हो इसके ऊपर गाइस आराम से, ठीक है। तो यहाँ पास पहुँच जाओ एंड यहाँ पास पहुँचने के बाद जस्ट आप ये देखो यहाँ पास पहुँच जाओ एंड यहाँ पास पहुँचने के बाद ये देखो सभी बंदों को इजी तरीके से मार सकते हो गाइज, आराम से मार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पास से सभी बंदों को हेड ही लगेगा अगर लगेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पास से आप मार सकते हो, ओपी वाला ट्रिक है गाइज। कैसा लगा आप लोगों को मेरे को कमेंट पे जोर से बताना। एंड अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो देन लाइक करो गाइज, व्हाई यू डोंट लाइक माय वीडियो गाइज, लाइक करो फटाक से। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन जो होता है उसको ऑल पे सेट करो या ना करो, हमारा चैनल एक बार चेक कर लिया करो कि टेक्नो का वीडियो आया है कि नहीं, ठीक है, यहाँ से चेक कर लिया करो। सो यहाँ पास से मैं गलती से जंप कर गया, वो जो रॉड लगा था उस पर जाने वाला था लेकिन नहीं गया, सॉरी नीचे गिर गया गलती से। तो देखो इतना हेल्थ गया, लेकिन अगर आप अच्छे इज्जत से उधरोगे जिधर से गए हो तो नहीं लगेगा। बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के ट्रिक के बारे में। जो हमारा तीसरा नंबर का ट्रिक होने वाला है वो होने वाला है भीमा शक्ति में। आपको जस्ट एक जीप लाना है, सोलो पे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जीप लाना है भीमा शक्ति की तरफ। एंड भीमा शक्ति के टावर के नीचे जो आपको छपरी मिलती है, जहाँ पास छपरी बोल देते हैं, छपरी ही चलो, छपरी जहाँ पास मिलती है उधर आपको आ जाना है, ठीक है। अब उधर आने के बाद क्या करना है मैं दिखाता आप लोगों को। तो जस्ट आपको जीप को ड्राइव कर रहा है एंड छपरी के पास आ जा रहा है। अब छपरी जस्ट बीच में पड़ेगा, देखो। सो गाइस छपरी के बीच में जाना है, तो चलो मैं दिखाता आपको कैसे कहाँ ले जाना है। आपको कुछ इस तरीके से आना है और जीप को कुछ इस तरीके से सेट करने, देखो मैं सेट करता, अच्छे से सेट करता गाइस, अच्छे से, अच्छे, बहुत ही ओपी वाला। देखो इसको कुछ इस तरीके से सेट करना है, जस्ट आपको जंप कर देना और आगे की साइड जो आपको डिब्बे दिखेंगे, बॉक्स दिखेंगे, उस पर जाना है, फिर जीप के ऊपर जाना है, ठीक है। आपको बॉक्स के ऊपर आके जीप के ऊपर जाना है एंड जस्ट जीप के ऊपर जाने के बाद आपको गाइस वो जो छपरी है उसके ऊपर चले जाना है। फिर वहाँ पास अगर आप चले गए तो भाई आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा, लिटरली बता रहा, कोई भी नहीं देख पाएगा। आराम से यहाँ पास बंदों को मार सकते हो या फिर लेट के आराम से सभी बंदों को मार सकते हो, ठीक है, मार सकते हो या फिर कैंप वगैरह कर सकते हो, सॉरी दो बार बोल दिया। तो यहाँ पास से आप आराम से कैंप वगैरह कर सकते हो, अगर आपको कैंप ही करना है तो यहाँ पास आ जाओ, बहुत ही ओपी वाला है। तो कैसा लगा आपको मेरे को कमेंट पे जोर से बताना, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ओपी लगा। अगर आपके पास जीप है, सोलो पे हो, रैंक पुश कर रहे हो, देन बहुत ही ओपी। आज का टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बेस्ड है सोलो पे, मैंने बहुत सारा ट्रिक बताया सोलो का, ठीक है। और चलो तो फिर देखते हैं अपने चौथे नंबर का सीक्रेट प्लेस, हाइडिंग प्लेस या फिर ट्रिक, जो भी बोल दो। तो चलो फिर चलते हैं अपने चौथे नंबर के सीक्रेट प्लेस या फिर हाइडिंग प्लेस की तरफ या फिर ट्रिक की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा ट्रिक होने वाला है वो होने वाला है प्लांटेशन पे, ठीक है। आपको प्लांटेशन पे आ जाना है एंड प्लांटेशन पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास आपको एक ही ग्लूअल चाहिए और ये भी सोलो बेस्ड है, ठीक है, सोलो बेस्ड है, मैं बार बार बता रहा हूँ। सो यहाँ पास आप आ जाओ एंड यहाँ पास आने के बाद आपको एक ग्लूअल चाहिए, ठीक है। ग्लूअल वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं करना है, यूज़ करना है, सॉरी वेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि काम ही पे आएगा ना। तो यहाँ पास आप आ जाओ एंड जस्ट आपको ये जो झोपड़ी दिखता है यहाँ पास आ जाना है, देखो ये वाले झोपड़ी के पास। एंड जस्ट आपको ग्लूअल को कुछ इस तरीके से सेट करना है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेट करो ग्लूअल को, ये देखो यहाँ पर सबको सेट कर देना है। एंड जस्ट आपको फिर जाना है इसके ऊपर, ठीक है, चलो मैं दिखाता कैसे जाना है। तो यहाँ पास आप आ जाओ एंड यहाँ पास आने के बाद जस्ट आपको ये पीछे जो कंटेनर्स हैं इसके ऊपर जाना है, पीछे जो बॉक्स है उसके ऊपर जाके, इसके ऊपर जाके अब इसके ऊपर आ जाओ, ठीक है। फिर इसके ऊपर से आप इसके ऊपर इजीली जा सकते हो, ठीक है। तो ये देखो फिर यहाँ पास आके आप आराम से पूरा कवर ले सकते हो, यहाँ पास देखो एकदम ओपी वाला कवर ले सकते हो, जो भी कवर वगैरह लेना है। एंड सभी बंदों को पेल सकते हो, आपको ओपी वाला कवर जो यहाँ पास मिल जाएगा एंड सभी बंदों को पेल के ओपी तरीके से आप जो है बुया वगैरह निकाल सकते हो। एंड चलिए फिर बात करते हैं अपने पाँचवें नंबर के हेडिंग प्लेस के बारे में। सो चलिए गाइस बात करते हैं अपने पाँचवें नंबर के हेडिंग प्लेस के बारे में, जो कि होने वाला है हैंगर पे। आपको हैंगर के पीछे की साइड आ जाना है, ठीक है। यहाँ पास आने के बाद आपको करना क्या है, चलो
सोलो में लिखा था, आपको एक ब्लू हॉल चाहिए। तो बेसिकली आज का पूरा वीडियो था सोलो बेस्ड, तो आपको कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट पे, एंड लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक लाइक करते हो तो वीडियो एक और बंदे तक पहुँचता है, ठीक है, रिकमेंड होता है, तो लाइक जोर से करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो यहाँ पास आप आ जाओ, एंड यहाँ पास आने के बाद जस्ट आपको एक ग्लू वॉल चाहिए, एंड ग्लू वॉल को कुछ किस तरीके से सेट करना है चलो मैं दिखाता। सो आपको जस्ट यहाँ पास आना है, एंड यहाँ पास आपको क्या करना है दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपका स्कॉट ख़त्म हो जाता है, जैसे मेरा स्कॉट ख़त्म हो गया, यहाँ पास वाइपआउट हो गया, तो यहाँ पास अपन क्या करते हैं, यहाँ पास आ जाना है अपन लोग को। अगर आपको हैंगर से भी पड़ रही है, ऑब्जर्वेटरी से पड़ रही है, तो भाग के यहाँ पास आ जाओ, फटाक से ग्लू वॉल लगाओ, एंड फटाक से ग्लू वॉल लगाने के बाद इसके ऊपर जाओ, ठीक है। आप सिंपली इसके ऊपर जाओ, एंड जस्ट आपके ग्लू वॉल के ऊपर जाओगे, फिर उसके ऊपर जाना, ठीक है, ग्लू वॉल के ऊपर जाना, एंड ग्लू वॉल के ऊपर जाने के बाद आपको ट्रक के ऊपर आना है। तो इसको ऑन करके नहीं होगा शायद से, तो आप बिना इसको ऑन किए कर लेना, ठीक है। फिर इसके ऊपर आना है, फिर जस्ट आपको जाना है ट्रक के ऊपर, ट्रक के पीछे की साइड उसका वो रहेगा, सिर रहेगा, तो उसके ऊपर आप आराम से बैठ सकते हो। देखो गाइस, आराम से बैठ सकते हो यहाँ पास, एंड आपको कोई भी नहीं देख पाएगा। तो आज का बस इतना ही था, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स था, कैसा लगा मेरे को कमेंट पे जोर से बताना कौन सा वाला पसंद आया, एंड अगर एक भी ट्रिक आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक जोर से करना भाई लोग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है उसको और पे जोर से सेट करना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। एंड शायद से कल सुबह मैं लाइव भी आ जाऊँगा, तो लाइव के लिए भी वेट करते रहना।